इतना ही वेट रहता है या कम होता रहता है? 94। अच्छा 11 kg लॉस के। ओके, तो इसके साइज में कितना फर्क पड़ा? चेस्ट पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये साइड का कम हो गया, ये तो फिर ये कैसे पता चला कि इसको कहीं ना कहीं मैस्टेक बोलते हैं? यूट्यूब पे देख। ओके, फिर आपने पहले क्या समझते थे कि चेस्ट फैट है क्या है? अच्छा, फिर आपको ये कैसे पता चला कि सर्जरी इसका ऑप्शन है? सोशल मीडिया पे, तो हमारे गांव में कोलापुर में सेंटर है, वहाँ विजिट किया तो उन्होंने बोला कि पुणे में ट्रीटमेंट हो गया। अच्छा अच्छा, तब आपको पता चल गया, फिर हम वीडियोस वगैरह देखने के बाद समझ में आ गया कि सर्जरी ऐसे करते हैं वो ठीक हो जाएगा। तो पहले डर भी लगता था? हाँ, पहले लगता था कि सब मुझे ये फ्रेंड में से मुझे नहीं है। तो पेरेंट्स एग्री हो गए थे शुरू में? हाँ, पेरेंट्स को बताया मैंने, तो उन्होंने बोला कि ठीक है करा लो। सो इसमें क्या है कि तुम्हारा काफ़ी फैट है, चारों तरफ फैट है, ये माप किया, यहाँ पे थोड़ा फैट है और इसके नीचे जो ऐसे हार्ड फील हो रहा है वो ग्लैंड है, ऐसे इस तरफ है। तो ये चारों तरफ से जो फैट और ग्लैंड है वो निकाल देंगे वेजर लाइपोसक्शन करके, इसमें यहाँ पे पंचर होल करेंगे इस साइड में यहाँ पे, और ये जो पूरा का पूरा जितना भी बल्ज है, पफिनेस है और ये चेस्ट फैट है वो सब निकाल देंगे, तो एक नॉर्मल शेप आ जाएगी जैसी ये मेल की होती है। तो ये मैन बूब्स का ट्रीटमेंट रहेगा जिसमें हम वेजर लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड रिमूवल करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है जो हम अभी स्टार्ट करेंगे।